तो मैंने आपको शरद कुमार मारुति सुजुकी सिलेरियो का सेकंड टॉप वेरिएंट जो कि ZXI वेरिएंट रहने वाला है। मैंने आपको इस कार का लोअर वेरिएंट दिखाई देता जो कि BXI वेरिएंट था। असल में इस कार का जो सेकंड बेस मॉडल है उसको बेस मॉडल ही होना चाहिए था, क्योंकि आपको इसके BXI वेरिएंट में कोई एनफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है और इसके अलावा काफी बेसिक फीचर्स की कमी रहती है इसके BXI वेरिएंट में। इसलिए अगर आप सिलेरियो कोई ऐसा वेरिएंट देख रहे हैं जिसमें बेसिक फीचर्स आपको सभी मिल जाए, आफ्टर मार्केट वर्क कराने का कोई भी जरूरत ना पड़े, तो इसके आप ZXI वेरिएंट के साथ जा सकते हैं। प्राइस में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं, अगर आप BXI और ZXI वेरिएंट के प्राइस को कंपेयर करते हैं 28,000 रुपीज का प्राइस डिफरेंस रहेगा BXI वेरिएंट और ZXI वेरिएंट में। फिर इतने प्राइस में आपको काफ़ी बढ़िया फीचर्स मिल जाते हैं। और सबसे बढ़िया बात ये रहती है, अगर आप ब्लैक कलर के फैन हैं तो आपको ZXI वेरिएंट से सिलेरियो में ब्लैक कलर मिलना स्टार्ट हो जाता है। फिर आप लुक्स देख सकते हैं कितनी बढ़िया लगती है ब्लैक कलर में सिलेरियो की, अगर आप व्हाइट कलर से कंपेयर करते हैं तो रोड प्रेजेंस पूरी गजब आने वाली है इस कार की। वो बात करता हूँ उस कार के प्राइस के बारे में, 6,11,000 रुपीज के एक शोरूम प्राइस वाला खोली कार मिल जाती है। फिर इतने प्राइस में आपको फीचर्स भी बढ़िया मिल जाएंगे, लुक्स अच्छे रहते हैं, इंजन आपको रिफाइंड मिल जाएगा, माइलेज आपको अच्छी मिल जाती है इस कार से, तो ये सभी चीजें आपको सिलेरियो में मिल जाती है 6,11,000 रुपीज के एक शोरूम प्राइस पर। कुछ तरह की मिल जाएगी आपको इस कार की फ्रंट प्रोफाइल, और ये रही हेडलाइट इस कार की, हैलोजन बल्ब रहने वाला है और इंडिकेटर में भी आपको बल्ब दिया जाएगा, और ये रही ग्रिल, क्रोम स्ट्रिप दी जाएंगी आपको यहाँ पर, सुजुकी का हो गया लोगो, फोग लैंप्स आपको इस वाले वेरिएंट में देखने के नहीं मिलते हैं। फिर ओवरऑल कुछ तरह की लगती है फ्रंट प्रोफाइल इस कार की, और ये रही साइड प्रोफाइल। इस वाले वेरिएंट में आपको व्हील कवर्स मिल जाते हैं, 14 इंच के स्टील व्हील्स दिए जाएंगे आपको इस कार में, 165/70 और 14 इंच की प्रोफाइल रहने वाली है। और बॉडी कलर का हो गया इस कार का ORBM, इंडिकेटर भी आपको इस कार के ORBM पर दिया जाएगा। ऊपर की साइड आपको यहाँ पर एंटेना मिल जाएगा, ABC तीनों पिलर आपको बॉडी कलर के दिए जाएंगे, और डोर हैंडल हो गया बॉडी कलर का। वैसे आप इसके पूरा ब्लैक कलर का रहने वाला है इंटीरियर इस कार का, जैसे AC वेंट्स हो गया, इंफोटेनमेंट सिस्टम के साइड में हो गया, यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश मिल जाएगी। और क्या क्या फीचर्स ओवर करे जाएंगे इस कार के इंटीरियर में, वो इंटीरियर में जब मैं चलूंगा इस कार के तो वो मैं आपको दिखा दूंगा। फिर उस तरह की लगती है इस कार की साइड प्रोफाइल, और ये रही कंबाइंड लुक बैक और साइड प्रोफाइल की। ऊपर की साइड आपको इंडिकेटर स्पॉइलर मिल जाएगा, वॉशर हो गया, डिफोगर, वाइपर, हाई मॉडल स्टॉप लैंप, जैसे फीचर्स आपको उसमें मिल जाते हैं। और ये इसकी टेल लाइट जिसमें आपको हैलोजन बल्ब दिया जाता है, सुजुकी का हो गया लोगो, सिलेरियो की बैजिंग, यहाँ पर हो गए पार्किंग सेंसर्स, रिफ्लेक्टर्स। तो चलिए फिर मैं आपको इस कार का बूट दिखाता हूँ, फिर कितना स्पेस मिल जाएगा आपको इस कार के बूट में। तो वैसा रहते आप, और आपको पार्शियल ट्रे मिल जाएगी, स्पेयर व्हील दिया जाएगा आपको यहाँ पर। तो ये तो बातें इस कार के एक्सटीरियर के बारे में, जैसे आपने देखो कितने फीचर्स मिल जाते हैं आपको एक्सटीरियर में, जैसे रियर वाइपर, डिफोगर, बोस्टर जैसे फीचर्स दिए जाएंगे जो कि आपको इसके BXI वेरिएंट में ऑफर नहीं करे जाते हैं। जो मेन डिफरेंस रहने वाला है फीचर्स में वो इसके इंटीरियर में आपको दिखाई देगा, इंटीरियर में काफी बढ़िया फीचर्स दिए गए हैं। तो इस कार में आपको 1000cc का इंजन मिल जाएगा जो कि प्रोड्यूस करता है 65 BHP की पावर और 89 Nm का टॉर्क। रियर इस कार का इंटीरियर पूरा ब्लैक कलर का रहने वाला है, डोर इस कार का डोर हो गया सिल्वर कलर का, वाटर बोटल हो गया, स्पेस स्पेस और स्पीकर, और ड्राइवर सीट हेल्समैन का फीचर आपको उसमें नहीं दिया जाता है, सिर्फ रिक्लाइन करने का दिया जाएगा। पावर विंडो का जो कंट्रोल है वो आपको यहाँ पर नहीं दिए जाते हैं, पावर विंडो कंट्रोल मिल जाएंगे आपको उसके डैशबोर्ड में। तो इस तरह का मिल जाएगा आपको इंटीरियर इस कार का, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ पूरा ब्लैक कलर में रहने वाला है इंटीरियर इस कार का। और ये स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाएंगे सिर्फ आपको यहाँ पर, सुजुकी का हो गया लोगो, SRS एयरबैग की होगी बैजिंग, फ्रंट टू एयरबैग्स रहने वाले हैं इस कार में। वेरस कार का सनवाइजर बैंडी में आपको यहाँ पर नहीं दिया जाता, सिर्फ टिकट होल्डर मिल जाएगा। और ये रहा IRBM, मैनुअली डिनेट एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको यहाँ पर। कैबिन लैंप हो गया यहाँ पर जो कि हैलोजन में रहेगा, फिर आपको कोई यहाँ पर कैबिन लैंप नहीं मिलता है। और ये रहा को ड्राइवर साइड का सनवाइजर, बैंडी मिरर हो गया, ग्रैब हैंडल उस तरह का रहता है इस कार का, को ड्राइवर साइड डोर, दो अपना सिल्वर कलर का, वाटर बोटल हो गया, स्पेस डॉक्यूमेंट स्पेस और स्पीकर। और ये रहा सेंटर कंसोल, 2D का दिया जाएगा उसमें, एनफोटेनमेंट सिस्टम, इस तरह के कंट्रोल्स रहने वाले हैं इसमें, हजार लाइट का होगा यहाँ पर बटन, पावर विंडो कंट्रोल्स आपको यहाँ पर दिए जाएंगे लॉक अनलॉक के लिए, और सिल्वर फिनिश हो गई यहाँ पर, मैनुअल AC मिल जाएगी आपको यहाँ पर, कुछ इस तरह के कंट्रोल्स दिए गए हैं। 12 वोल्ट का होगा यहाँ पर पावर सॉकेट, थोड़ा स्पेस, दो कप होल्डर्स, 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन में रहेगी ये कार, कुछ इस तरह का गियर नॉब दिया जाता है आपको यहाँ पर, सिल्वर फिनिश हो गई यहाँ पर, हैंड ब्रेक, और फ्रंट में दिए जाएंगे आपको फिक्स हेडरेस्ट, कुछ तरह की फैब्रिक सीट्स रहने वाली हैं इस कार में। तो ये तो बात है इस कार के फ्रंट सीट पर बैठकर, जो भी फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाए तो मैंने आपको दिखाई दिए हैं। अब चलिए फिर लेके चलता हूँ आपको इस कार की रियर सीट पर, वहाँ पर आपको कितना स्पेस दिया जाएगा। ड्राइवर सीट को अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कितना लेग रूम है वहाँ पर। मेरी हाइट 6 फीट है। और ये रहा इस कार का बैक डोर, टॉप नो हो गया सिल्वर कलर का, वाटर बोटल के लिए स्पेस, डॉक्यूमेंट के लिए स्पेस और स्पीकर्स हो गए। और रियर डोर की जो भी पावर विंडो रहने वाली है वो भी फिर आपको यहाँ पर नहीं दी जाती है,
वे आपको दी जाएंगी यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हैं फ्रंट में जैसा मैंने आपको दिखाई दिया था, एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते हैं, फिक्स हेडरेस्ट मिल जाएंगे और बैक में भी आपको फिक्स हेडरेस्ट दिए जाएंगे। और फैब्रिक सीट्स रहने वाली हैं, कुछ तरह का डिज़ाइन है और लेग रूम भी काफ़ी बढ़िया रहने वाला है इस कार में, ऐसे आप देख सकते हैं। और रियर सीट पर बैठे कुछ तरह का लगता है डैशबोर्ड इस कार का, तो कुछ इतने साइज का रहने वाला है यहाँ पर बम्प। वाटर बोर्ड के लिए स्पेस फिर आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, इसके डोर में ही दिया जाएगा आपको। वाटर बोर्ड के लिए स्पेस हो गया, डॉक्यूमेंट रखने स्पेस हो गया, और हेड रूम हो गया, लेग रूम हो गया, काफ़ी बढ़िया रहेगा इस कार में। तो भाई ओवरऑल कुछ तरह का था इस कार का इंटीरियर, जो भी कुछ आपको इस कार का इंटीरियर मिल जाता है मैंने आपको दिखाई दिया है, जैसे आपने देखा उस तरह का था इस कार का बुक राउंड, जो भी फीचर्स आपको इस कार के इंटीरियर एक्सटीरियर मिल जाता है मैंने आपको सभी दिखा दिए हैं। 20,000 रुपीज का सिर्फ प्राइस डिफरेंस है BXI और ZXI वेरियंट में। उसमें आपको ऐसे रिमोट सेंटर लॉकिंग मिल जाएगी, एडजस्टेबल स्टेयरिंग, स्टेयरिंग मॉडिट कंट्रोल, म्यूजिक सिस्टम, रेयर डिफोगर, बाइपर, बोशर जैसे फीचर दिए जाएंगे। तो सिर्फ 20,000 रुपीज के प्राइस में आपको इतने बढ़िया फीचर दिए गए हैं। अगर आपके वाले फीचर्स बढ़ते लगते हैं तो आप ZXI वेरियंट के साथ जा सकते हैं। अगर आपको और फीचर्स चाहिए अपनी कार में, जैसे टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के साथ, फोग लैंप्स हो गए, पावर फोल्डिंग मिरर्स, कीलेस एंट्री, अलॉय व्हील्स जैसे फीचर चाहिए, तो आप ZXI प्लस वेरिएंट के साथ जा सकते हैं। उस वेरिएंट के लिए आपको 60,000 रुपीज एक्स्ट्रा देने होंगे। तो अगर आपको इस कार की और वेरिएंट की वीडियो देखनी है, फिर आपको किसी और कार का बुक राउंड देखना है, तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। फ्यूचर में ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।